मैं टाइप कर रहा हूं मीर साहब के बारे में साहब जी उसका हमें मजाना मिलना चाहिए और मैं अपनी सरकार से भी उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके के नौजवानों को जो है वहां पर आज तरीके से चला वहां पर चल रहे हैं लेकिन आज लग रहा है वहां पर कोई यूपी का है कोई बिहार का है किसी इलाके से हमें कोई तकलीफ नहीं है हम कोई कपूर शहर में रहने की हमें आदत नहीं है लेकिन जो हमारा हक है हमारे लोग वहां मजदूरी नहीं कर सकते मेरा एक यहाँ पर और उसने नवेदन और सरकार से भी कम से कम जो है प्राइवेट सेक्टर में सरकारी नौकरियों में जो है वो खत्म होता जा रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में जो है उस क्षेत्र में जो है कम से कम आपको 50% लोगों के लिए जो है रिजल्ट की जाए टेक्निकल या मार्केटिंग का ताकि उस क्षेत्र पूरे चुनाव वाले नंबर बना का लोगों को नुमाइंदगी करने का कम से कम रोजगार करने का मौका मिले। दूसरी यहाँ पर बात की जा रही थी कि रिजर्वेशन आज इस तरीके से पिछली सरकार ने जो है चंद वोटों की खातिर लेकिन पीर पंचायत ने जवाब दे दिया वोट की सियासत अगर आप करोगे तो जवाब आपको वह मिलेगा कि आप जो है उनको कभी सभी पर याद मिलेगा और रिजेक्ट हुआ और हम चाहेंगे कि रिजर्वेशन पॉलिसी को मेरी सरकार दोबारा से रिवाइज करे और जनोमेटिकली का जिस तरीके से गला खोता जा रहा है आज 30% 35% रिजर्वेशन हम उसको जो है रिवाइज करना चाहते हैं ताकि जो गड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट की जो भी जो क्या कह रहे 50% से जो है ऊपर ना हो सबको हक मिले हम किसी के खिलाफ नहीं है हर एक कैटेगरी का हर एक लोगों का हर एक नौजवानों का हक है नौकरी पाना और सरकारी पार्टिसिपेट करना। दूसरी जनाब यहाँ पर पिछले कई सालों से जो है जल जीवन मिशन पर लोग काफी कुछ उठा रहे हैं मैं अपनी सरकार से भी कहूंगा कि एक सबसे बड़ा स्कैम किस तरीके से चल रहा है उसमें ना घर में पानी है ना कुछ तो एक सोशल ऑडिट कराया जाए एक स्कूल स्कीम मार्केट कराया जाए इस तरीके से लॉबी खसूस एक लॉबी जो है जो मुझे तक काम कर रही है वो मैं अपने ब्यूरोक्रेट से भी कहूंगा मेहरबानी करके दिल्ली दरबार का जो है उसकी आप विधायक सुनिए सरकार बदल गई है यहाँ पर ऐलान नया आ चुका है आप जम्मू कश्मीर के लोगों के पास अब वहां से डिक्टेशन लेना जो है बंद कर और जिस तरीके से वहां पर जो है लोगों ने जो एक अड्डा बना के रखा है उस पर भी जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की यहाँ पर आज हमें कई दिनों से लोग कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन चल रहा तो हम आपसे अपनी सरकार से मेरा ये है कि वन टाइम इन एटलीस्ट एक एज रिलैक्सेशन दे दी जाए जो लोग आज भर्तियों में जो है पिछले 10 साल में कुछ किया है आप देखिए हर एक जगह पर जो बंद थी लेकिन अब जो है मौका मिला है हमारी सरकार ने जो है दूसरी बात नौजवानों से हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा इस पूरे सिस्टम में जब कोई पैसा आपको मिल रहा है हम चाहते हैं कि अपनी सरकार से जो इस पूरे उनके लिए कोई ना कोई किस तरीके का पैकेज है ताकि जो है वो अपना रोजगार का कुछ किस्म चला सके। एक और दिनों को काफी दिनों हमारे यहाँ बातें चली थी ना राजस्थान में भी उठाई बीडीसी की कहना जिस तरीके से ये खुला आम जो है वो लूट मचाई रखी थी अपनी मर्जी से सिलेक्टेड लोगों को ही दे रहे तो उसका नतीजा आज हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर स्टार्ट हो गई है तो मैं इस आह्वान से आपसे चाहूंगा और अपनी सरकार से भी जिस तरीके से मैंने पूरे लक्ष्य के दौरान ये लोगों को जो है वो मैंने बांधी है उसका एक इंक्वायरी कराया जाए कम से कम की आपकी क्या क्राइटेरिया है पॉलिसी क्या है आपके पास आप किसको देना चाहते हैं खतरा किसको है आखिर सरकार ही है वो तुम्हारे पास पुलिस तुम्हारी तो फिर भी आप अगर अपने लोगों को ताकत दे तो हम चाहते हैं कि ये इनकी नाकामी है और जल्द से जल्द जो है हमारे को जो है लाइन जो है सरकार को भाग भी है उनको भाग भी है ये हम आपके जरिए मांग रहे हैं इसी आधार के साथ मैं अपनी तकलीफ खत्म करूंगा शुक्रिया अदा करता हूँ आपने हमें मौका दिया सामान लोने का और इसी उम्मीद के साथ 5 साल जो है हमारे को ये दिन ये इस हाउस का जो है कार्य होने का और ये असेंबली फिर से वही रहेगी इसका इस तक काम हो पाए सदस्य सदस्य को बजाना शुक्रिया जनाब शबीर अहमद कुले साहब अल्हम्दुलिल्लाह
Thank you, Honorable Sir. मैं पहली बार यहाँ शुक्रिया आप शुक्रिया जानते हैं मैं इन अल्फाज के साथ पूरा अल्लाह ने अच्छी मजाजी लेकर उसकी हुकूमत को मैं बार बार पेश करना चाहता हूँ अल्लाह करे जो पिछले 10 साल में हमारी जिस तरह हमें रोंदा गया जिस तरह हमने हमारी तकलीफें पिछले 10 साल से है इसका थोड़ा सा अजारा हो गया अगर हम गवर्नमेंट एड्रेस की बात करते हैं तो लेट अस स्टार्ट कि हम इसी चीज में फंस गए हैं कि कौन कौन सा रेजोल्यूशन पहले लाएगा कौन पीछे लाएगा ताकि लोगों को ये दिखा सके नहीं हमें यहां पे यहां सबसे पहले कौन आया किससे खिताब बोला किस चक्कर में पिछले 3 दिन से इसमें आ रहे हैं साहब हमारे जो गवर्नर का जो एड्रेस है लखनऊ साहब का सड़कें बिजली पानी टूरिज्म इलेक्ट्रिसिटी ये सब कुछ आएगा शांति है कि हम अपनी इंसान अपना इज्जत होना नहीं चाहिए मैं यहाँ इसलिए तकलीफ नहीं कर रहा हूँ मुझे चाहिए बिजली मुझे चाहिए सख्ती मुझे चाहिए मैं चीज गवर्नमेंट जो भरी है वो ये काम करती है आई है वो करती रहेगी लेकिन इस एड्रेस में अगर स्पेशल स्टेटस का जिक्र भी किया है लेकिन कुछ चीजें जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए अहमियत रखती है वो है हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल ठीक है साहब हम ये भूल रहे हैं पिछले 30 साल से हमारा नौजवान पिसा जा रहा है हमने नौजवानों के फ्यूचर पर सियासत भी की है क्या इसमें ये नहीं हो सकता था जो भी नौजवान 1990 से 2024 तक मैंने कोई 10 साल का था कोई 9 साल का था कोई 15 साल का था उसमें अखबार क्या है उसने पत्रे मारा है वो हम जानते हैं क्योंकि हम वकालत का पेशा रखते हैं हम जानते हैं कि किस तरह उनके घर वाले एक हफ्ते में 4-4 बार उनकी तारीख में रखती है तो उनके जो माँ बाप है उस तरह काफी है कि चाहे रस्ते में कोई पुलिस से न उठा सके उपाय हमने एक पॉलिसी बनानी थी इसमें क्या हम उनको माफ नहीं कर सकते एक बार एक भी ऑफेंस के लिए क्या उसके पत्र एक मारा है 2000 में या 90 में वो आज भी किस है उसका ऊपर से हमारे मोहतरम होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि उनको कभी भी हम रोकिंग नहीं देंगे उनको हम कभी उनके जो केस है उनको हम कभी उनको रोक नहीं करेंगे क्या हमारी ये इज्तमाही कोशिश नहीं हो सकती है क्या हमारा जमीन इतना मजा हो गया है कि हम सिर्फ आवाज में बैठ के कहा बात जो 2 लाख 3 लाख कमरान है क्या उनकी बात फ्यूचर कहने कोई फिक्र नहीं है क्या हम ये काम नहीं कर सकते थे और इससे अच्छा तो नहीं हो सकता था नंबर 2 बिना जो कांग्रेस का है वो उसका नाम इरफान की चीज बुरा नाम है लेकिन खुद चल रहा है नंबर 2 जहां हमारा एक वादा है मेरे दोस्तों कि रेवोल्यूशन ऑफ पीएस पब्लिक सेफ्टी है जो स्पीकर साहब ने बताया कि सभी कितने लोग इसमें भाग रहे हैं कितने नाम बेगुना भाग रहे हैं 5 अगस्त 2019 में उसी दिन एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हमारे पार्षद हम भी तो जेल में लेकिन हमें 2 महीने बाद छोड़ा गया 3 महीने बाद छोड़ा गया लेकिन वो लोग जो आज से 5 साल पहले ऑनलाइन कैंप हो गए वाराणसी में है जो यूपी में है जो लखनऊ में है जो हरियाणा में है
ऐसे के बुनियादों को बंद रखा है चार चार पांच पांच साल, क्या हम उनकी ये कोशिश हम नहीं कर रहे उनको भेद बनाए थे क्यों बंद करते हैं? अगर उन्हें रिलोकेशन ऑफ पाकिस्तान करना ही था तो उनका क्या करना था? उनको उठा के बात को अच्छे से साफ करो वहां पर। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से और मेरी गुजारिश की दिशा से उनके केस की तरफ देखा जाए कि जो आप लोग बंद है पांच छह साल से वो इसी वजह से इसी गवर्नमेंट एक्ट के पीछे है इसी पे वो बंद है।